छत्तीसगढ़ पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का दर्द उस समय छलक आया जिस वक्त वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री के गृह क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान राज्यपाल के सामने बातों की बातों में अपनी पीड़ा जाहिर कर बिजलपुर क्षेत्र में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन मौजूद थे। इस दौरान मंच पर उपस्थित ताई ने कुछ ऐसा कहा कि वो राजनीतिक गलियारों की सुर्खियां बन गई। दरअसल केंद्र में आसीन मोदी सरकार ने पहले तो उन्हें राष्ट्रपति बनाए जाने तक की खबरों पर एक तरह से मुहर लगा दी। उसके बाद उन्हें नौवीं उम्र के बंधन के चलते इंदौर सांसद के चुनाव से दूर किया। शायद ये ही वजह है कि ताई ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मौजूदगी में सुमित्रा महाजन ने कहा कि जब मैं मेरी सरकार के खिलाफ में नहीं बोल सकती थी तो कोई बात उठाने के लिए मैं जीतू पटवारी और तुलसी सिलावट को धीरे से कहती थी कि तुम कुछ करो और कहो, बाकी आगे मैं संभाल लूंगी। इसके पीछे ताई ने तर्क दिया कि वो इंदौर के विकास को किसी भी स्थिति में अवरुद्ध नहीं होने देना चाहती। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी में मेरा शिष्य बनने के सभी गुण है। कुल मिलाकर इंदौर में ताई ने जो कुछ कहा वो राजनीतिक गलियारों की सुर्खियों में है, क्योंकि वजह साफ है, कहीं ना कहीं ताई नाराज है। जीतू सही में शिक्षा मंत्री के रूप में बात सही पकड़ी, सचमुच मैंने तारीफ के लिए नहीं। अभी रास्ते में आते आते कोई बोल रहे थे कि ताई ये जीतू आपका शिष्य है, मैंने कहा शिष्य है नहीं, वो अपने व्यवहार से जरूर ये कल कहला सकता है कि हाँ ये लगता है ये ताई का शिष्य बनने लायक व्यवहार से, व्यवहार से। मगर आज जो आपने किया कि ऐसे व्यक्ति को वहाँ सहज रूप से बुलाया, नहीं तो कुछ कार्यक्रम होता है तो वो उसी विषय पे अपनी बात करके चले जाते हैं और महामहिम है आपके, तो आपने महामहिम को एक बात पहचान करके यहाँ बुलाया और एक प्रकार से लोगों से रूबरू करा रहे हो, बहुत अच्छी बात आपने सोची, ये भी आपकी बात स्वागत योग्य कदम आपने उठाया है और मैं महामहिम का आज यहाँ पर स्वागत करती हूँ कि आप इंदौर आए हैं, आप मध्य प्रदेश आए हैं, मध्य प्रदेश आपसे बहुत कुछ सीखेगा, शिक्षा का ही केवल क्षेत्र नहीं, हर क्षेत्र में काम कैसे करना, काम को मूर्त रूप कैसे देना, ये बातें आपसे पूरा मध्य प्रदेश सीख सकता है।